तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपनी फ़ोन के अंदर अलार्म लगाना चाहते हैं तो अलार्म की सेटिंग्स आप कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलार्म आप अपने फ़ोन के अंदर कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस, अलार्म लगाने के लिए गाइस यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। आपके पास कोई भी रियलमी का फ़ोन है तो आप इस तरीके से अलार्म सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि है क्लॉक का। तो क्लॉक पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लॉक पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर, इस तरीके से आपका क्लॉक देखने को मिलेगा। तो गाइस, मेरे फ़ोन के अंदर अभी हमने दो अलार्म अपने ऐड रखे हुए हैं, तो इनको मैं गाइस यहाँ पे एक को ऑफ कर देता हूँ सिंपल तरीके से। और आपको एक नया अलार्म सेट करने के लिए गाइस यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन देखने को मिलेगा इतना बड़ा सा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे उसका टाइम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी टाइम का आप अलार्म लगाना चाहें। अगर आप इसको एक बार केवल एक दिन के लिए लगाना चाहेंगे तो रिंग वंस पर रखें, कस्टम पर क्लिक करके आप इसको एवरी डे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी दिन आपको लगाना हो, ठीक है। बाकी एक दिन के लिए मैं इसको लगा देता हूँ। टाइम इसका आप अलार्म का नाम डाल सकते हैं कि आपने ये अलार्म किस नेम के लिए रखा है। तो गाइस, अगर ये मैंने घूमने के लिए रखा है तो गाइस यहाँ पे मैं फ्री टाइम लिख लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लूँगा। तो इस तरीके से गाइस आप अलार्म सेट कर लेंगे। गाइस यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट करेंगे तो गाइस यहाँ से इनको आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाकी के सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिंगटोन को चेंज करना चाहें तो रिंगटोन आप लगा सकते हैं, जो भी आप रिंगटोन रखेंगे वो आपकी अलार्म पे टोन लग जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे करके अपने फ़ोन के अंदर आप एक अलार्म सेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।